आप सभी को अंजलि का नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं फिर एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। क्या होता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं, जैसे 40-50 में अगर हम ये स्टार्ट हो जाती है, तो ये आगे जाके हमें बहुत परेशान करती है, जो कि है आर्थराइटिस। जैसे मैं पहले भी अपने एक वीडियो में स्लीप एपनिया के ऊपर मैं आई थी और मैंने मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा आपको पॉइंट्स बताए थे, तो मेरे को लगा कि ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारे लिए, आर्थराइटिस, जिसमें कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को लगा कि मैं आज कुछ अपने टिप्स जो हैं आपके साथ इस पर शेयर करती हूँ। अब आर्थराइटिस क्या है? ये मतलब हमारे जो जॉइंट्स हैं ना, इसमें स्वेलिंग आ जाती है और जिससे कि हमारी जो मूवमेंट है बॉडी की, वो जो है हमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो मोस्टली क्या है कि बहुत तरह के आर्थराइटिस होते हैं, लेकिन जो मेन दो तरह के हैं वो हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये जो है बच्चों में भी कई बार हो जाती है और बड़ों में भी हो जाती है, लेकिन जो हमारी एज है, जैसे हम 50 प्लस होते हैं या 40 प्लस होते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमें स्टार्ट हो जाती है। अब जो इसके अर्ली साइंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। क्या होता है कि कई बार हम सुबह उठते हैं तो हमारे को बड़ी स्टिफनेस लगती है अपने जॉइंट्स में, और फिर क्या होता है, जब थोड़ी देर हम मूवमेंट में आ जाते हैं उसके बाद सारा दिन बिल्कुल ठीक रहते हैं, तो हमें लगता है कि शायद वैसे ही है कि हम सुबह उठे तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ गई, या हम ऐसे जैसे बैठे हुए हैं कहीं पर, हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो कोहनियाँ हैं ये एकदम रेडनेस आ जाती है वहाँ पर। तो ये भी जो है अर्ली साइन है, इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर क्या है कि स्टिफनेस जॉइंट्स में हो जाती है। अब अगर हम थोड़ी देर जैसे फ़ोन ही हम पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमको लगता है कि हमारा हाथ बिल्कुल स्टिफ हो गया है और मूवमेंट में नहीं आ रही हमारी फिंगर, तो हमें बड़ा उसको मलते हैं या कुछ करते हैं, तो ये भी अर्ली साइंस हो जाते हैं। और सीढ़ियाँ स्टेयर्स चढ़ रहे हैं या बैठे हुए थोड़ी देर और जब आप उठ रहे हैं तो आपको अपनी नी में, जॉइंट्स में बहुत पेन हो रही है, तो वो भी जो है आपका अर्ली साइन है। और अगर आप बैठे हुए थोड़ी देर और आप एकदम खड़े होते हैं तो आपको एकदम आपके एंकल में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार कि आप बिल्कुल पैर जमीन पर नहीं रख पाते हैं, तो ये भी आपका अर्ली साइन है। तो ये कहूँगी मैं कि अब ये अगर आपके अर्ली साइन स्टार्ट होते हैं ना, तो आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए, अपने किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और इसका वो जो आपको मेडिसिन दें, और या फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप कुछ थोड़ा भी आप खुद भी अपनी डाइट से या अपनी एक्सरसाइज से कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से प्लीज़ गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। अच्छा, ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपको फीवर होने लग जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, आप बहुत वीक फील करते हो और आपको पूरी बॉडी में ऐसे लगता है बहुत जॉइंट पेन हो रही है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साइंस हैं। और ये जो है इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि आपकी बोन डिफॉर्म्ड हो जाएंगी अगर आप इग्नोर करते रहे, अपना खुद घर में ट्रीटमेंट करते रहे। तो प्लीज़, अगर आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं और उससे आप एनीमिक भी हो जाते हैं, मतलब पूरे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर वो वर्क ठीक से नहीं करते हैं, तो इसके लिए प्लीज़ आप इमीडिएटली जो है डॉक्टर के पास जाइए और इसका इलाज करवाइए। और मैं कहूँगी आप डॉक्टर के पास तो ज़रूर जाइए, लेकिन कुछ जो है आप अपने साथ अपने आप भी कुछ कर सकते हैं। वो है, सबसे पहला आप अपना वे ऑफ लिविंग जो है ना, अपना हेल्थ स्टाइल है, उसको चेंज करिए। अब क्या होता है, जब एक्स्ट्रा वेट होता है हमारा बॉडी का, तब भी हमारे जॉइंट्स पर पूरा प्रेशर पड़ता है, जैसे हमारे नीज पर पड़ता है, हिप्स पर पड़ता है और हमारे पैरों पर पड़ता है, तो उससे भी जो है हमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स जो है स्वेल कर जाते हैं और उससे प्रॉब्लम होती है। अब उसके लिए क्या है कि आपको, जैसे आप बैठे हुए हैं थोड़ी देर, अब बैठे हुए हैं आप, नकल्स हैं, आप इनकी एक्सरसाइज ऐसे जरूर करते रहिए, या आप ज़्यादा देर मत बैठिए, उठ रहे हैं तो थोड़ा वॉक कर लीजिए, वैसे भी डेली रूटीन में अपना वॉक जरूर लेकर आइए, एक्सरसाइज जरूर करिए जिससे आपके सारे जॉइंट्स जो है ना वो मोबाइल में हो जाएँ, और जो है अपने मसल्स भी हैं उससे एक्सरसाइज से क्या होता है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और उससे भी हमारी बॉडी को जब सपोर्ट मिलती है, मसल्स को, हमारे जॉइंट्स का सपोर्ट मिलती है, तो हमें ये प्रॉब्लम कम होती है। अब हेल्दी फूड तो आपको खाना ही है, डाइट प्रोटीन रिच होनी चाहिए, जूसेस वगैरह भी, जो फ्रूट्स जो हैं वो आप अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। अब क्या कि जो टर्मरिक हल्दी है, वैसे तो हमारी डाइट में होती है, हम इंडियन फूड है, हम बनाते हैं तो उसमें सब्जी में हम हल्दी तो डालते हैं, लेकिन क्या है कि आप थोड़ी एक्स्ट्रा जो कच्ची वाली हल्दी आती है ना, उसको आप पीस कर थोड़े से दूध में उसको मिलाकर आप लेंगे, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होएगा। अच्छा, गार्लिक है, गार्लिक भी जो है हमारी जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी में उसको काफ़ी हेल्पफुल होता है, तो गार्लिक का भी आप अपनी डाइट में ज़रूर यूज़ कीजिए। अब ब्रोकली है, ब्रोकली भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है,
तो हमें मतलब ये है कि हमारे को अपनी डाइट में जो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं ना वो हमको ज़्यादा यूज़ करनी है। अच्छा, अब अदरक है, जिंजर, वो भी हम अपनी डाइट में वैसे तो खाते हैं, हम वेजिटेबल्स में डालते हैं, लेकिन उसका थोड़ा एक्स्ट्रा इनटेक करना चाहिए, जैसे चाय में, सूप्स में, क्योंकि साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जिंजर। अच्छा, अब आता है एक वॉलनट, अखरोट। अखरोट की हमें एक आधा जो उसका एक गिरी है ना वो हमें रोज की जरूर खानी चाहिए, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे स्पिनच है उसको भी कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो वो भी हम अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा, ग्रेप्स हैं, अब किशमिश जो ग्रेप्स से बनती है, वो भी अगर रात को हम भिगो कर खाएँ और सुबह उसको खाएँ, रात को भिगोते हैं और सुबह खाएँ, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी है, किसी भी वाटर टेंशन जो होती है बॉडी में वो मतलब कम हो जाती है। तो आप ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये घर में आप इनको यूज़ करके जो है अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है कि जो हमें खानी चाहिए चीज़ें, लेकिन कई चीज़ें हमें अवॉइड भी करनी चाहिए। अब क्या है, शुगर का इनटेक, थोड़ा कार्ब्स का इनटेक, ये जो है हमें थोड़े इस पर स्ट्रिक्टनेस रखनी चाहिए। सॉल्ट का इनटेक, हम क्या होता है कई बार बैठे हुए हैं, मिक्सचर्स खा रहे हैं या फ्राइड आइटम्स भी हमें कम करनी चाहिए। सॉल्ट इनटेक अगर ज़्यादा होगा तो सोडियम लेवल बढ़ जाता है और उससे फिर क्या होता है, उससे भी वाटर टेंशन होने लग जाती है। तो ये भी जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब जिसको आर्थराइटिस होता है ना, पेन जब होती है उसको, तो वही है, वही सफ़र करता है। तो उसके लिए मैं कहूँगी कि एक होता है हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब हॉट ट्रीटमेंट में या तो आप कोई हीटिंग पैड लगा सकते हैं अगर आपको जॉइंट में पेन है, या आप सुबह जैसे आप नहाते हैं तो अपने नीज वगैरह पे गरम गरम पानी डालिए, उससे भी आपके जो सुबह जो है मूवमेंट में आपके जॉइंट्स आ जाते हैं, थोड़ा आपको इजी हो जाता है। और विंटर्स हैं तो हॉट ब्लैंकेट्स होते हैं या हॉट वाटर बॉटल है, आप वो लेकर अपने जॉइंट्स पे रख कर सो सकते हैं, तो जिससे आप आराम से रात को सो सकें। और कोल्ड ट्रीटमेंट भी है कि अगर आपके स्वेल कर गए हैं जॉइंट्स, तो पर आप डॉक्टर से फिर भी कंसल्ट कर लीजिएगा, तो आप जो है आइस पैक्स होते हैं उसको किसी टॉवल में लपेट कर डायरेक्ट मत बॉडी पर लगाइए, उसको जॉइंट पे आप रखेंगे तो आपको वो भी जो है स्वेलिंग पे थोड़ा सा आपको उससे इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अच्छा, आप बॉडी मसाज भी आप करवा सकते हैं, जैसे कोई जॉइंट्स में टांगों में दर्द है तो आप मसाज भी करवा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी जो है रिलीफ मिलता है। अच्छा, आप ये तो थोड़े बहुत घरेलू नुस्खे हो गए, आप बाहर भी आप ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी है, आप फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। या एक्यूपंक्चर, क्योंकि है तो वो चाइनीज़ दिस थिंग, लेकिन वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, जो कि नीडल्स हैं वो ऐसे पॉइंट्स उनको पता होते हैं, उन पॉइंट्स को नीडल्स से प्रेशर डालते हैं, तो उससे भी जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। एक बात मैं और बोलूँगी कि आपको अपना जो है ना टेस्ट ज़रूर करवाते रहना चाहिए। क्या होता है कि मोस्टली जो लेडीज़ में 45-40 के बाद जो होता है कैल्शियम डेफिशेंसी होनी शुरू हो जाती है, और उससे भी जो ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमारी बोन्स जो है वीक होना शुरू हो जाती है। तो अपना विटामिन डी और कैल्शियम जो है इसका आपको बिल्कुल अपना चेकअप रखना चाहिए कि आपका कम तो नहीं है, और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको उसका इंटेक बिल्कुल ले करना चाहिए। अब मैं लास्ट में कहूँगी कि जो मेडिटेशन है वो भी हमें पेन से रिलीफ दिलाती है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, आप रिलैक्स करते हो, आपकी जॉइंट्स में जो पेन चल रही है आप उससे भी रिलैक्स होते हो, तो ये भी आप ज़रूर करिए, इससे भी देखना आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो बस गाइस, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, हो सकता है आप कुछ और भी करते हो, लेकिन प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए, गो टू द डॉक्टर, कंसल्ट करिए, और साथ में जो मैंने छोटी छोटी आपको रेमेडीज़ बताई हैं या फॉलोअप करिए, आपको इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। सो बस, फिर मिलूँगी किसी और नेक्स्ट किसी टॉपिक पर आऊँगी और आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी। नमस्कार।